हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई यहाँ पे तैयारी हो रही है मैंगो शेक की बनाने की, और ये कह रहा है बनाना शेक बनाऊंगा, हम कह रहे हैं मैंगो शेक बनाओ। पहले तो इनको मैंगो में बताना कि किसको मैंगो शेक पसंद है, मुझे तो बहुत ज्यादा है। अथर्व अपना मैंगो शेक खुद बना रहा है और ना वो अपना बनाना शेक खुद बना रहा है। मैं अपनी चाय खुद बना रही हूँ। सब अपना काम स्वयं करो। और अथर्व मैक्स अपना काम कौन सा करेगा तू बताओ? गोड़ी तू कौन सा काम करेगी? ये खाने का काम करेगा ओनली, ये ओनली खाने का काम करेगी मेरी गोड़ी। खाने का काम मजा इसकी मैंगो पे है। तो चलो बनाते हैं अपना सामान। हमारे मैक्स को सिर्फ खाना खाना पसंद है और कुछ पसंद नहीं है इसको। तो अथर्व मैं छील दूंगी, बाबू मैं छील दूंगी, मैं छील दूंगी, मैं छील दूंगी, ला मैं छील लूंगी। इसको यहाँ रखते हैं कहाँ पे? अरना भी स्टैंड लेके आई हो, उसमें रखूंगी। बाबू थोड़ा ही बनाइए अरना तू ही पिएगा अकेला, मैं तो चाय पीऊंगी। मुझे क्या चाहिए? इतना काट लिया। चलो मिक्सी की आवाज सुन मेरी, तैयार हो जाओ। गाड़ा गाड़ा जूस पीने में आता है मजा मैंगो शेक। ये बन गया है मैंगो शेक। और मैंने सोचा चलो अभी चाय नहीं बनाते हैं, मैंगो शेक ही पी लेते हैं हम भी थोड़ा सा। वैसे मुझे पसंद है मैंगो शेक बहुत, लेकिन मेरा इस टाइम चाय का ज़्यादा मन करता है। और ये पीने के बाद भी चाय का मन करेगा, प्रॉब्लम तो ये है। मैं पिला रही हूँ पहले अपने केशव को। ये देखो मेरे केशव, ये मेरे केशव है। हाँ बेटा, खाते थे और उसकी गुठली रख देते थे, मैं अपने मुंह में लेके चल भागता था, हम उसको पकड़ भी नहीं पाते थे जब छोटा था ना। यहाँ पर चल रही है मैक्सू की ट्रेनिंग बनाना के साथ। चलो चलो देखते हैं सुनता है क्या एक दो बार। हेलो कर दो, इस वाले एक्शन कर दो। गुड बॉय, गुड बॉय मैक्सू। क्या करना, क्या करना? स्टे, चलो स्टे स्टे। ओके बस इससे रुका नहीं जाता ज्यादा देर, थोड़ी देर। हाँ थोड़ी देर रुकेगा, ज्यादा देर नहीं रुकेगा। सिट सिट स्टे। हेलो करो, हेलो, गुड बॉय। इसे नहीं रुका जाता भाई, खाने को देख के इतना ललचाया हुआ है ये। स्टे सिट डाउन, इतना पहले बैठ सिट डाउन। अच्छा हेलो कर लिया तू, सिट डाउन सिट। हेलो करो, हेलो 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 हेलो। नो स्टे स्टे स्टे। नो अगर इतने पास रखेगा तो उसे रुका नहीं सकता, दूर रख थोड़ा। स्टे नो नो आ जा।
रुका था। जंपिंग जंपिंग ये काम तो इससे करवा लो बढ़िया। शिटा शिटा हेलो 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 गुड बॉय तनी खा रहा से टकरा अथक मत कर चेयर कमेंट करके बताना तो है खा रहा है इसके टकरा। शिटा शिट शिट शिटा रुक गया इतना है इतना इसका परफेक्ट रुक गया थोड़ा सा जंप बार स्टे इतना तो हो गया इसका। अर्णव की लाज रख ली इसने रोलिंग रीना ऐसे हेलो जंप स्टे दोनों हैंड से कर लेता है हेलो बार्क। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये मैंने स्कूल से डायरी लाया था बर्थडे पे मिली थी और ओनली मैंने 2 डेज में इसको पूरा फिनिश्ड कर दिया है। तो क्या बोला था पेपर फाड़ फाड़ के मैंने इनकी डायरी बनाई है और मैंने खुद से बनाई है ग्लू से आपको दिखा के लाता हूँ पेपर फाड़ फाड़ के। यस तो देख वो देख कहाँ चढ़ गया देख इसने क्या करा इस डायरी में से पेपर निकाल ले और दूसरी डायरी बना ली। अपना पेंसिल बॉक्स को दिखा दे ये आयरन मैन वाला और एलकेजी में इतना बड़ा पेंसिल बॉक्स कौन रखता है। अब अंदर से दिखाना अपना पेंसिल बॉक्स ये देखो अंदर से ये है थरू का यहाँ पे वन स्टेज यहाँ पे भी रख सकते हो और नीचे भी है ये आपको निकाल के दिखाता हूँ। वन टू थ्री फोर ये फोर डायरी है चलो सर्किट पर ये देख जूस तो बढ़िया बना था टेस्टी मजा आया पीने में। अथर्व का बस मैंने ही बना दिया मैंने कहा क्या ये बनाएगा मैं ही बना दूँ। अच्छा तो मैं क्या बता रही थी कि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं पतंजलि वाला जो पहले मैं यूज़ करती थी प्रोडक्ट अभी भी मैं यूज़ करती हूँ उसको कि स्किन पर किसी की प्रॉब्लम हो रही है उसको लगाकर या कुछ ऐसा होता है कि हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं आती है। उस टाइम पर मुझे वो बहुत ज़्यादा सूट करता था इसलिए मैं यूज़ करती हूँ मैं अभी भी यूज़ करती हूँ लेकिन कभी कभी अभी जैसे वन में एक बार हो गया इस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ उससे मुझे इतना फ़ायदा मिला बहुत ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती और मेरे पास अभी भी ये है। तो इसको लगाना कैसे है चलिए मैं आपको बताती हूँ और इसके कितने फ़ायदे हैं। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं या पिंपल्स निकल रहे हैं या फिर आपके ओझाइयाँ हैं पिगमेंटेशन है आपका चेहरा बिल्कुल डल हो गया है रूखापन है चेहरे पर तो आप इसको बहुत सारे कामों के लिए आप इसको अपने फेस पर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बताते हैं कैसे यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको इसे नाइट में लगाना है वो भी दूध में मिलाकर कच्चे दूध में मिलाकर लगाइए दूध को फ्रिज में रख दीजिए और उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है ना उसको इसमें मिलाइए आधा चम्मच लीजिए और आधा चम्मच दूध लीजिए अच्छे से मिलाकर पूरे फेस पर लगा लो क्योंकि इतना ही काफ़ी रहता है। ज़्यादा लगाओगे उसे टाइट टाइट बनाओगे तो फिर सूखने में टाइम लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप गुलाब जल में मिलाकर लगा सकते हो और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसे जैसे कि एलोवेरा जेल होता है उसमें मिलाकर लगा सकते हो। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मुझे भी कई दिन हो गए हैं इसको यूज़ किए कई दिन मतलब हो गए शायद से 1 वीक हो गया मुझे इसे यूज़ किए। तो चलिए इसको लगाते हैं अपनी स्किन पर और कितना टाइम के लिए रखना है कैसे लगाना है मसाज करनी है नहीं करनी है वो आपको मैं लगाने के बाद बताऊंगी इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और स्किप मत किया करें क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करते हो फिर आपको नहीं पता चलता कि क्या बता रहे हैं और फिर आप कमेंट करते हो कि ये कैसे था या क्या था कुछ भी। तो चलिए इसको लगाते हैं अपने फेस पर। तो इसे लगाने के लिए मैंने आधा चम्मच सिर्फ ये पाउडर लिया है
कांति लेप बोलते हैं इसको, और मैं कांति लेप जो है इसे लगाऊंगी आज एलोवेरा के साथ। पहले मैंने जो लगाया था हमेशा कच्चे दूध में मिलाकर लगाया, आज हम एलोवेरा के साथ लगाएंगे। तो आप इस पर देख सकते हो इस पर सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि मेहंदी, इसके अंदर मतलब क्या क्या है, इसके अंदर है मेहंदी है, आमा हल्दी है, जायफल है, मंजीठ है, एंड सुगंध बाला है, चंदन श्वेत है, और एलोबड़ी है, अलवा है, सेफ्टी का भस्म है, इसके अलावा इस पर समुद्र फैन है, कत्था है, कपूर है, और श्वेत चंदन है, मंजीट है, जायफल, तो सब कुछ इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये हल्का पीलापन छोड़ देता है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ही पाउडर लिया है और आधा चम्मच ही एलोवेरा लिया है। इसको मैंने बिल्कुल पतला सा, बहुत पतला भी नहीं, बस हल्का सा इसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहे तो इसे ब्रूस से लगा सकते हो या फिर अपने फिंगर से भी लगा सकते हो। हल्की हल्की सी लेयर इसकी पूरे फेस पर लगा लीजिए, अपने आँखों पर मत लगाइए, क्योंकि इसके अंदर जो काली मिर्च वगैरह जो होता है वो आपकी आँखों में मतलब जलन कर सकता है। तो मैंने पूरे फेस पर इसको अच्छे से लगा लेना है। और हाँ, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं ना और आप इसको तीसरे दिन यूज़ कर रहे हो, तो ये डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो मैंने इसको पूरे फेस पर लगा लिया है और करीब 10 मिनट में इसको छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद तब हमें लगेगा कि हमारे फेस पे ये हल्का हल्का सूख चुका है। बहुत ज़्यादा मत ड्राई होने दीजिए, जब एकदम से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो क्या होता है कि स्किन हमारी खिंचने लग जाती है, जिससे स्किन में रूखापन आता है। तो मैंने यहाँ पर गुलाब जल लिया है और दोनों हाथों पर अपने मैश कर लिया है अच्छे से। गुलाब जल थोड़ा और ले लीजिए और पूरे फेस पर हल्के हल्के मसाज करिए। इससे क्या होगा, जो डेड स्किन होगी या फिर जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो होंगे, तो क्योंकि इसमें खरदरारापन भी होता है तो वो सब भी रिमूव हो जाएगी, आपके चेहरे से बहुत ज़्यादा डस्ट हट जाएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, स्किन आपकी चमकने लगेगी अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं। आप इसको वीक में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हो, रात में यूज़ करिए, दिन में मत करिए। और बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल या तो गुलाब जल या फिर एलोवेरा जल या फिर कच्चा दूध, इन चीज़ों में ही आपको इसे मिक्स करके लगाना है। तो मैंने देखिए अपना फेस अच्छे से धुल लिया है, नॉर्मल पानी से धुलना है आपको, ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं धुलना है। धुलने के बाद ऐसे ही स्किन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको क्या करना है, टॉवल से अच्छे से साफ़ करके, ये मेरा टॉवल भी बिल्कुल येलो हो गया है, तो आप कपड़ा वही लीजिए जो बेकार हो, क्योंकि पीला हो जाता है कपड़ा। तो मैंने ये देखा टॉवल पीला हो चुका था, तो स्किन पर अब मैं क्या करूँगी, मॉइस्चराइजर लगाऊँगी। और मेरे हाथ भी पीले हो गए हैं, हाथ भी, स्किन भी बिल्कुल पीली हो गई है। मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर लिया है, लैक्मे का मैं यूज़ करती हूँ। आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो वही यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेस पर इसे लगाने के बाद कुछ ना कुछ आपको लगाना ज़रूर होगा, स्किन ड्राई ना हो और स्किन ना खींचे, जो पोर्स ओपन हुए हैं उनमें डस्ट ना बैठे। तो ज़रूर से अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर या फिर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है, एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा काम करता है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, सनस्क्रीन का भी काम करता है। तो इस तरीके आपकी स्किन चमकने लग जाएगी, सर्दी में गर्मी में यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मैंने अपने स्किन पर लगा लिया है और इसे लगाने के बाद ना बहुत ही सॉफ्टनेस सा फील होता है, लेकिन येलो बहुत हो जाता है, हाथ भी, स्किन भी। इसलिए आप ट्राई किया करें कि हमेशा नाइट में यूज़ करें और 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मत रखें, क्योंकि उसके बाद ना स्किन हमारी खींचने लग जाती है। अगर मोटी लेयर बनाकर रखोगे तो ये आपकी स्किन को खींच लेगा, मतलब इसलिए बोला मैंने कि हल्का पतला रखिए और हल्की हल्की लेयर बनाइए। तो जितनी हल्की लेयर होगी उतना जल्दी से धुल भी जाएगी और आपकी स्किन भी नहीं खींचेगी। और बिल्कुल ड्राई मत होने देना, हल्का जब मॉइस्चर बना रहता है ना, तो तभी आप ऐसे अपने फेस पर अच्छे से मसाज करके इसको धुल लीजिए। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है, अच्छा है प्रोडक्ट। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ में इसको कर चुकी हूँ। सो आई होप आपको हमारा आज का ये ब्लॉग या फिर स्किन केयर जो भी था पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दिया करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। और मैंने अपने येल्लो कुर्ता, मैक्स रुको,
और मैंने अपना येलो कुर्ता इसलिए निकाल दिया था क्योंकि इसका दाग ना अगर गिर जाए तो निकलता नहीं है बिल्कुल भी। इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा अगर किसी वाइट पे येलो पे, क्योंकि ये कलर ऐसे होते हैं कि इन पर दूर से ही दिखाई देता है, अगर बाई चांस थोड़ा भी गिर जाएगा तो हटेगा नहीं जल्दी से, तो इस वजह से मैंने ब्लैक टी शर्ट अपनी डाल ली थी। तो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।